हाय गाइस, वेलकम टू स्पार्क एडिट। दोस्तों, आज हम पिपसार्ट एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरीके की बर्थडे फोटो एडिटिंग करने वाले। तो फिर इस तरीके की एडिटिंग में जितने बैकग्राउंड एंड पीएनजी लगने वाले, उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फिर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। तो फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, सबसे पहले हम इस वाले बैकग्राउंड को पिपसार्ट एप्लीकेशन में ओपन करने वाले। इसके बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले और हम इस वाली इमेज को लेने वाले। इसे हम बड़ा करके इस तरीके से लगाने वाले। इसके बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले और इस वाली पीएनजी को हम दो बार लगाने वाले, और पहले वाली पीएनजी से हम वन को लेने वाले इस, और इसके बाद हम सेकेंड वाली पीएनजी से सेवन नंबर को लेने वाले। और इसके बाद हम इसके बड़ा करने वाले। और कुछ इस तरह से लगाने वाले। इसके बाद वन को भी लेने वाले और कुछ इस तरह से लगाने वाले। और इसके बाद हम इस वाले रेंज को लेने वाले, उसे बड़ा करके अच्छे से सेट करने वाले। कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसे डन करने वाले। डन कर लेने के बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले और हमारे मॉडल की इमेज को हम लेने वाले। मॉडल की इमेज को हम अच्छे से हमारे बैकग्राउंड के ऊपर सेट करने वाले। कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले। ऐड फोटोज पर आने पर हम केक की पीएनजी को लेने वाले, जिसे हम कुछ इस तरह से लगाने वाले। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम कम करने वाले, और जो भी हमारे फिंगर के ऊपर आने वाले एरिया को हम इरेज करने वाले। ताकि ऐसा लगे कि हमारे हाथ में रखा है। इतना तक हो जाने के बाद हम डन करने वाले। डन कर लेने के बाद हम फिर से ऐड फोटोज पर जाने वाले और इस वाली पीएनजी को लेने वाले। इसे हम हमारे फोटो पर बड़ा करके इस तरीके से लगाने वाले। इस तरीके से लगाने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को कम करने वाले। इसके बाद हम एडजस्ट में जाने वाले, ओपेसिटी को और कम करने वाले और डन करने वाले। इसके बाद फिर से हम ऐड फोटोज पर जाने वाले और इस वाली ब्लर पीएनजी को लेने वाले। इसे हम आगे कुछ इस तरह से लगाने वाले और इसकी सैचुरेशन को हम कम ज़्यादा करके देखने वाले, या पर डन करने वाले। इसके बाद हम ड्रॉ टूल में जाने वाले और इस वाली फ़ोटो को सेव करने वाले। इसके बाद की एडिटिंग हम लाइटरूम एप्लीकेशन में करने वाले। लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद हम लाइट्स में जाने वाले और फोटो का एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले। कंट्रास्ट को भी इंक्रीज करने, हाईलाइट को डिक्रीज करने वाले, शेडो को इंक्रीज करने वाले, वाइट को इंक्रीज करने और ब्लैक को डिक्रीज करने वाले। इसके अंदर कलर टूल में आने वाले और फोटो में टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले। टिंट को हम थोड़ा सा डिक्रीज करने वाले और फोटो में सैचुरेशन को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करने वाले, दो इतना तक। इसके बाद मिक्स टूल में आने वाले। इसके बाद हम रेड कलर की सैचुरेशन को कम करने वाले, ऑरेंज कलर पर आने वाले, ऑरेंज कलर की हम लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले,
और सैचुरेशन को भी इंक्रीज करने वाले। इसके बाद हम ग्रीन कलर पर आने वाले और इसकी सैचुरेशन को हम इंक्रीज करने वाले। सीएन कलर की भी सैचुरेशन को हम इंक्रीज करने वाले और ब्लू कलर की सैचुरेशन को हम डिक्रीज करने वाले। इसके बाद डन करने वाले। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आने वाले, फ़ोटो में टेक्सचर्स को ऐड करने वाले, फ़ोटो में क्लैरिटी को भी इंक्रीज करने वाले हम, फ़ोटो में डिग्नेज इफेक्ट डालने वाले, उसी के साथ फ़ोटो में विग्नेट इफेक्ट को भी ऐड करने वाले, फ़ोटो में ग्रीन अमाउंट को इंक्रीज करने वाले। इसके बाद फेदर को भी इंक्रीज करने वाले। नीचे वाले ऑप्शन में आने के बाद फ़ोटो में शार्पनेस को इंक्रीज करने वाले, उसी के साथ नॉइस रोडेशन को भी इंक्रीज करने वाले, कलर नॉइस को भी करने वाले। इसके बाद हम सिलेक्टेड टूल्स में आने वाले और सर्कल को लेने वाले। इस वाले सर्कल को हम हमारे मॉडल के फेस के ऊपर लगाने वाले ताकि हमारा फेस ब्राइट हो। इसका हम एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले और शेडो को भी कम करने वाले कुछ इतना तक। तो फिर आप देख सकते हैं कितनी बड़े से हमारे फोटो एडिट हो चुके हैं। इसके बाद ग्रेनेट लेने वाले और हमारे फ़ोटो से नीचे से हम इसे मारने वाले और इसका एक्सपोजर को हम कम करने वाले। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोटो बहुत ही बड़े तरह से एडिट हो चुके हैं, बड़े फोटो एडिटिंग हो चुके हैं। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी हम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप इसका बिफोर देख सकते हैं, फ़ोटो में लाइट किस तरीके से थी, फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद आप आफ्टर देख सकते हैं कितनी बड़े तरह से हमारी फ़ोटो में रिटच हो चुकी है। तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय शिवराय।